भी सूचना विभाग 7 अगस्त 2019 को मुख्य विकास अधिकारी श्री रमेश चंद्र पांडे की अध्यक्षता में दिनांक 9 अगस्त 2019 को जनपद में होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार न्याय पंचायत पर नामित सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ समीक्षा बैठक गांधी सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अधिकारी महोदय द्वारा नामित सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित करते हुए कहा कि आप सभी का उत्तरदायित्व है कि 9 अगस्त को संपन्न होने वाले वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराना है। आप सभी एक दिन पूर्व अपने अपने न्याय पंचायत का भ्रमण कर आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष खोदे गए गड्ढों का निरीक्षण कर ले, जिससे कार्यक्रम के दिन प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना हो। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर कार्यरत ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, लेखपाल व कार्यक्रम के पीठासीन अधिकारी के भांति कार्य करेंगे और उन्हीं से प्रति घंटे रिपोर्ट लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट विकास खंड स्तर पर नामित नोडल अधिकारी खंड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आगामी 9 अगस्त को होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम में जनपद में 21 लाख पौधे के रोपण के सापेक्ष लगभग 22 लाख गड्ढों का खुदान 26 विभिन्न विभागों द्वारा आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के साथ साथ यह भी ग्राम स्तर के कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं के माध्यम से वृक्षों को तैयार करने का दायित्व भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वयं सहायता समूह, किसान सम्मान निधि योजना, पेंशन योजनाओं से आच्छादित लाभार्थियों को भी वृक्षारोपण करने हेतु पौधे वितरित किए जाएंगे और उनको संरक्षित करने का दायित्व भी दिया जाएगा। बैठक में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी श्री संजीव कुमार, जिला विकास अधिकारी श्री योगेंद्र पाठक, परियोजना निदेशक श्री अनिल कुमार, डीसी मनरेगा श्री मृणाल सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री देवेंद्र स्वरूप सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नवीन अवस्थी की रिपोर्ट, पीलीभीत। जनपद गोंडा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अंतर्गत वंचित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश श्री आर के नैयर पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा ने प्रमोद कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा को निर्देश दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में श्री महेंद्र कुमार अपर पुलिस अधीक्षक जनपद गोंडा व श्री एस के रवि क्षेत्र अधिकारी मनकापुर जनपद गोंडा के कुशल निर्देशन में कई धाराएं आयुध अधिनियम थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा में एक नफर वंचित अभियुक्त को दिनांक 7 अगस्त 2019 को समय 6:30 सुबह को मनकापुर उतरौला मार्ग पर कचहरी मोड़ मनकापुर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को न्यायालय रवाना किया गया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुनील वर्मा की रिपोर्ट, गोंडा। थाना जसराना क्षेत्र के कस्बा पाढ़म में शत्रु रूप कुशवाहा पुत्र राजा राम कुशवाहा निवासी पाढ़म की एक भैंस बिजली की करंट से मर गई। ये घटना दोपहर 3 बजे के आसपास की है। बताया गया है कि लाइनमैन पाढ़म फिटर पर 500 से ऊपर पैसे लेने पर केबल के तार एवं सबमर्सिबल की केबल लगाने के लिए वसूली करता है और कहीं अगर तार टूट जाए तो कस्बा में चंदा कर आते हैं। समस्त कस्बे में संपूर्ण लाइन जर्जर हालत में पड़ी हुई है। इस लाइन के जर्जर होने की सूचना SDO एवं जेई बाद समस्त विद्युत विभाग के अधिकारीगण तक पहुंच चुकी है, लेकिन कोई भी अधिकारीगण सुनने को तैयार नहीं है। कस्बे में कई बार बड़े से बड़े विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन विद्युत विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कई स्थानों पर 4 से 10 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन कस्बा पाढ़म की कोई भी समस्या का समाधान विद्युत विभाग ने नहीं किया है। ये खतरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री की वह योजना सबका विकास सबका साथ झूठा होता दिखाई दे रहा है। सभी घटनाओं को अंजाम दे रहे लाइनमैन पैसे के लालच में लोगों की जान का सौदा करते दिखाई दे रहे हैं। शत्रु कहाँ के रहने वाले? पाढ़म। ये घटना कैसे हुई? घटना बहु पानी पियावे लाई साकर पकड़े भय पे और एकदम कड़ी भैंसिया और ताई चिपट गई, भैंस लाने आ रही है। हम तो बना रहे था तो किसी से शिकायत की इसके लिए लाइट के लिए कट। अब शिकायत का दिन अब कटी जाने अब कुन्ने कटवाई अब जी तो हमें मालूम ना। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।
रिक्शा चालकों ने आरटीओ द्वारा प्रति रिक्शा स्वामियों से 35,000 रुपए अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। ये मामला जनपद हमीरपुर के राट कोतवाली का है, जहां पर रिक्शा चालकों को बिना नोटिस दिए ही उनके रिक्शा पकड़ने व रिक्शा छुड़ाने की एवज में 35,000 मांगने की शिकायत राट विधायक से की गई है। रिक्शा चालकों ने बताया कि वह अपने रोज की दिनचर्या में रिक्शा चलाकर मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन आरटीओ द्वारा बिना नोटिस दिए ही रिक्शा पकड़ने और उनके एवज में पैसे मांगने को लेकर ई रिक्शा चालक परेशान है और अगर उनका समाधान नहीं हुआ तो वह भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे और राट पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने इसकी शिकायत भी की है। इस संबंध में आरटीओ से बात भी की गई है और उनसे रिक्शा अधिनियम की जानकारी मांगी गई तो भड़क गए और अपशब्द बोलकर भगा दिया और कहा अगर रिक्शा छुड़वाना है तो 35,000 दो, नहीं तो कहीं भी शिकायत कर दो जाके। जिस पर आज रिक्शा चालकों ने विधायक मनीष जी के आवास पर एक ज्ञापन सौंपा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड। सीओ सिटी श्री जटाशंकर राव एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री विपिन कुमार त्रिवेदी, मैं जिला आबकारी अधिकारी श्री एमपी सिंह के संयुक्त नेतृत्व में लाल पहाड़िया पर कच्ची शराब 30 लीटर एवं लगभग 1000 लीटर लहन नष्ट किया गया। उत्तर प्रदेश की योजना को सफल बनाने के लिए विभागों ने बड़ा कदम उठाया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड। ग्राम सभा कंटेन ब्लॉक सिधौली जिला सीतापुर, जहां पर यह गांव कंटेन सराय नदी के किनारे बसा हुआ है, बाढ़ आने पर लाभार्थियों के पास बैठने की जगह भी नहीं बचती है। वहीं पर सेक्रेटरी अपनी मनमानी कर रहा है। जनता का कहना है सेक्रेटरी एडीओ पंचायत व पंचायत मित्र की मिली भगत से हमारे गाँव में जो आवास आए थे वे सेक्रेटरी ने बिना जाँच किए कटवा दिए। ब्लॉक सिधौली की जहाँ पर मनमानी कर रहा है सेक्रेटरी एडीओ पंचायत व पंचायत मित्र, आज तक उनको कोई आवास या कोई शौचालय पर्याप्त नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं ग्राम सभा कंटेन का हाल, लाभार्थी परेशान, फिर भी सेक्रेटरी एडीओ पंचायत बीडीओ की साजिश से लाभार्थी के आवास काटे गए, जिसमें मोदी जी ने यह भी कहा था सबका साथ सबका विकास। जहाँ पे ये विकास हो रहा है, मोदी जी तो भेज रहे हैं जनता के लिए, लेकिन यहाँ पर लाभार्थियों के साथ में दुराचार कर रहे हैं सेक्रेटरी एडीओ पंचायत व बीडीओ। क्या नाम है दादी आपका? सुमन। सुमन, क्या हुआ है आपके साथ में? आप कहाँ रहते हैं? कंटेन में। कंटेन में रहते हो? इस समय मकान तुम्हारे पास रहने के लिए है? नहीं नहीं है। फिर आप कहाँ पे रहते हो? साहब तीन डार के। हाँ। इसी के अंदर। हाँ। रहने के लिए जगह कोई नहीं है? नहीं है जी। क्या सेक्रेटरी ने आप लोगों का नाम काट दिया है? काट दिया। काट दिया। हाँ। जी, यहाँ पर कहना है कि सेक्रेटरी ने हम लोगों के नाम काट दिए हैं, जो कि बगैर जांच किए, जांच भी नहीं किया, जबकि फर्ज बनता था सेक्रेटरी का, उसको गांव पहुंच करके यहाँ पे जांच करना था, लेकिन यहाँ पर आया भी नहीं और बैठ करके ऑफिस में ब्लॉक में सिधौली में बैठ करके अपना वहीं से नाम काट दिया है। प्रधान जी का कहना है कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन हमारी सुनी नहीं जा रही। क्या नाम है सर आपका? हरनाथ सिंह। हरनाथ सिंह। हाँ। क्या दिक्कत है आपको? घर है नहीं साहब। घर नहीं है? हाँ। तो घर के लिए आपका लिस्ट पे नाम था? हाँ रहे। फिर क्या हुआ? वो सेक्रेटरी काट दी। सेक्रेटरी सचिव ने काट दिया? हाँ। अच्छा, फिर आपने क्या किया? हम अपनी के वहाँ ब्लॉक के हैं जी, वीडियो साहब तेरे कहा जी, कहीं जांच करवा दे। आज तक जांच नहीं? कोई जांच भेजे नहीं की? कोई जांच करने नहीं आया? कोई नहीं आया। अच्छा, तो आप इस छप्पर के नीचे गुजारा कर रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, ये छप्पर आपका पड़ा है? हाँ। देख सकते हैं यहाँ पे ये लाभार्थी खड़े हैं जिनके पास रहने के लिए सुविधा नहीं है, और ये लाभार्थी इस छप्पर के नीचे छोटे अपने परिवार को लेकर के गुजारा कर रहे हैं।
और अगर देखा जाए तो ये इनके पास फील्ड तो है, जगह है, लेकिन रहने के लिए छत नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और ये लाभार्थी हैं इन, आपका नाम? हरनाथ सिंह। हरनाथ सिंह, आप किस गांव में रहते हो? कंटाइन में। कंटाइन, ये ग्राम सभा है? हाँ, ग्राम सभा कंटाइन। आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है? सिरौली। और तहसील? सिरौली। और जिला? सीतापुर। क्या नाम है सर आपका? राम कुमार सिंह। राम कुमार सिंह जी, क्या दिक्कत है आपको? सर, हमारे पास न घर है, कच्चा मकान है, वो भी गिर रहा है जी, और केवल इतनी टीन डाल करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। 7-8 आदमियों का परिवार है हमारा जी, खर्चा नहीं हमारा चल पा रहा है, हम कहाँ से घर बनाए, कहाँ से मकान बनाए अपना जी, और कच्चा मकान है, वो भी गिर रहा है, आज डर डर के जी रहे हैं यहाँ पे जी। अच्छा, आपका मकान कच्चा है, ये नदी के किनारे आप लोग रहते हैं? जी सर, नदी के किनारे ही मकान है। गोमती नदी के किनारे? सराय नदी के किनारे जी सर जी। तो क्या आपका लिस्ट पे नाम था? लिस्ट पे नाम था, और जो है सेक्रेटरी महोदय ने जो है निरस्त कर दिया, बगैर जांच किए, बगैर जांच किए बैठे बैठे उन्होंने जांच नहीं की जी, जांच नहीं किया जी, नहीं। दादा, आपका नाम क्या है? हरिपाल। हरिपाल जी, आप यहीं कंटेन में रहते हो? हाँ जी। आपका ग्राम सभा कंटेन है, और ब्लॉक कौन सा लगता है? सिधौली। सिधौली लगता है। आपके यहाँ ये जर्जर ज़मीनें बहुत पड़े हैं, बहुत मकान ऐसे हैं? हाँ, बहुत मकान ऐसे, लेकिन कोई इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, सेक्रेटरी जांच करने नहीं आता है? ऐसा है भाई, लेकिन है। अच्छा, वो अपने सिधौली थे, सब काम कर ली। अच्छा, जांच नहीं किया? जांच नहीं किया। दादा आपका? हरिपाल। कहाँ रहते हो? कंटेन। कंटेन में। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत साहब, रहने वाला है, कुछ व्यवस्था ही नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है, छप्पर टीन डाले रह रहे हैं ये। अच्छा, छप्पर ऐसे आप डाल करके रहते हैं जी। आप तो यहीं रहते होंगे जी सर, तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं जी। तो आप कितने लोग रहते हो इस परिवार में? एक परिवार में कितने लोग हो? हम 5-6 जने साहब। 5-6 लोग हो। अच्छा, आपको आवास क्यों नहीं मिला? आवास सेक्रेटरी जो है वो यहाँ जाँचें करने नहीं आवा। जांच करने नहीं आया? ये देख सकते हैं कंटेन ग्राम सभा का हाल है, जहाँ पे सेक्रेटरी कर रहा मनमानी। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि इसकी पुनः जांच करके गरीबों को आवास देने की कृपा करें। क्या नाम है दादा आपका? सिंधुराज सिंह। सर, अपने गांव की समस्याएं बताएंगे? हाँ, समस्या बिल्कुल बताएंगे जी। हमारे गांव में जो कुछ आवास सरकार ने दिए थे जी, उनमें सेक्रेटरी ने उनको भी काट दिया जी, और उसकी जांच पड़ताल करने कोई अभी तक आया नहीं जी। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास फूस और माटी का भी घर नहीं है जी, दूसरे के मकान में रह रहे हैं जी। तो आप कहाँ रहते हैं, कौन सा गांव पड़ता है आपका? हमारा गांव कंटाइन, ग्राम सभा कंटाइन। कंटाइन पड़ता है, ब्लॉक सिधौली जी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ, समस्याएं हैं, लेकिन आज तक सेक्रेटरी, एडीओ, पंचायत, बीडीओ कोई नहीं सुना? नहीं, कोई आते नहीं यहाँ कभी। अच्छा, तो इसकी आपने कहीं एप्लीकेशन या दरखास्त दी? क्या नाम है सर आपका? बैजनाथ सिंह। सर, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम सभा कंटाइन। कंटाइन में। सर, यहाँ पे लोग बताते हैं कि आवासों की दिक्कत है, क्या है, बता सकते हैं उसके विषय में कुछ? आवासन के जिनके आवास बने हैं आज तक, मतलब घर है न,
कच्चे मकान वो गिर गए और रहे सुविधा नहीं, दूसरे के मकान में हरिनाथ सिंह वो रहते हैं जी, और ब्लॉक से और सीतापुर से कोई इंक्वायरी नहीं, सिक्योरिटी जो रहे आए रहे हैं वो उनकी कैंसिल कर दी ने कटवा दिया। हाँ कटवा दी, रुपया 20,000 मांग रहे हैं। अच्छा हाँ 20,000 रुपया सब दे हैं उनका, सबका कॉलोनी दे दी नहीं जाए। अच्छा 20,000 रुपया चाहिए। अच्छा क्या सर 20,000 रुपया सिक्रेटरी मांग रहा है? हाँ मांगी सर 20,000 रुपया चाहिए। अच्छा जब तथा नहीं तो सिक्रेटरी का नाम थोड़ा बताएंगे? संदीप रावत। संदीप रावत। संदीप रावत वो 20,000 रुपये मांग रहे हैं। मांग रहा था इसी के चलते उन्होंने जी के चलते आवाज। अच्छा ये आपका नाम क्या है? जी सर राम कुमार सिंह। राम कुमार क्या ये बात सत्य है सिक्रेटरी 20,000 रुपये मांग रहा है? जी सर 20,000 रुपये कह रहे थे कि दो तो आपको आवास देंगे। हाँ जब हमारे पास असमर्थता जताई तो उन्होंने आवास निरस्त कर दिए, हमारे काट दिए जी। आप बताएं सर क्या ये बात सत्य है? हाँ सत्य है सर। आपसे मांगा था? हाँ मांगी सर। हाँ 20,000 रुपया दो कल तुमका हम। किसने मांगा था? वीडियो सिक्रेटरी। क्या नाम है सिक्रेटरी का? संदीप रावत। संदीप रावत। हाँ इन्होंने 20,000 रुपये मांगे। 20,000 रुपये मांगे। आप बताएं आपका नाम? हमारा नाम राजकिशोर सिंह है जी सर। वो हमारी माता हैं जी सुखरानी। क्या आपसे 20,000 रुपये मांगे गए? हाँ जी सर। किसने मांगा था? वही सिक्रेटरी संदीप ने मांगा था। संदीप। हाँ अच्छा रावत। रावत इन्होंने कहा क्या आपसे क्या कहा? कहा अगर 20,000 रुपया नहीं दोगे तो आवाज निरस्त कर देंगे, वही कर दिया आखिर में जी। पैसा था नहीं जो। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आर के सिंह की रिपोर्ट, अतरौली हरदोई।